নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাঠৱৰা নিউজ 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ হৈতে আছে প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়া পূৰ্বৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট কিন্তু বৰ্তমানৰ তেওঁ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ নামৰ আন এটা সংগঠনৰ তেওঁ অধ্যক্ষ আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আছে গুৱাহাটীত তেওঁ আজি 5 দিন ধৰি বাহৰ পাতি আছে অসমৰ বিভিন্ন স্থান তেওঁ টুৰ কৰিছে আৰু অসমৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত অসমলৈ তেওঁ আহি তেওঁৰ নতুন সংগঠনটোৰ সম্প্ৰসাৰৰ কাম কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমৰ বিশেষকৈ যিহেতু বাংলাদেশী প্ৰৱজনৰ বিষয়টো সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াই তেওঁ শিৰোনাম দখল কৰিছে প্ৰথমতেই তেওঁক স্বাগতম জনাম আৰু প্ৰিয় দৰ্শক এই ইয়াৰ প্ৰায় আমাৰ যি এই কথোপকথন আমাৰ বাৰ্তা হিন্দীত আগবঢ়াই লৈ যাম টোগাৰিয়া জী বহুত বহুত স্বাগত হে আপকা হাম লোগোঁ সে জুড়নে কে লিয়ে আপ গুৱাহাটী মে হে মেনে বোলা আসামিজ মে গুৱাহাটী মে হে আসাম কা দৌৰা কৰ ৰহে তামুলপুৰ লখিমপুৰ নগাঁও आप घूम रहे हैं रंगिया भी गए हैं आप हाल ही में देखा गया एक न्यूज़ आई थी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा उसने एक बयान दिया था झारखंड में उन्होंने बोला साफ साफ बोला असम में 1.25 करोड़ बांग्लादेशीज हैं वैध अवैध अलग बात है और आज के डेट में 40 विधायक ऐसे हैं जो बांग्लादेशी मूल के हैं बांग्लादेशी मूल के लोग डीसी बन रहे हैं मजिस्ट्रेट बन रहे हैं और हायर पोस्ट में जा रहे हैं इसका अर्थ यह है अगर कोई MP MLA बन रहा है भारत का नागरिक है कैसे नागरिक बना किस परिस्थिति में बना अलग बात है क्या आप मानते हैं इस सिचुएशन को रिवर्स किया जा सकता है अगर जा सकता है कैसे जा सकता है पहली बात मैं हेमंत बिस्व शर्मा को धन्यवाद अभिनंदन कर रहा हूँ कि आपने भारत की जनता के सामने चीफ मिनिस्टर होते हुए सत्य रखा कि बांग्लादेशी इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर मुसलमान MNA बन रहा है SP DC बन रहा है जी उनका अर्थ की वह गलत डॉक्यूमेंट से भारत का नागरिक बना है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आ रहा है ऐसी गंभीर बात स्वीकार करके पूरी देश को आपने चेताया है मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक आसाम में 50 लाख अंदाजित जी बांग्लादेशी घुसपैठिय मुसलमानों को हटाते नहीं है तो आसाम नहीं बचेगा आसाम ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा और जैसे बंगाल में से या बांग्लादेश में से हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़ा आसाम में भी घर छोड़कर भागना पड़ेगा जी। एक भी हिंदू का घर सुरक्षित नहीं रहेगा और जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बांग्लादेशी MLA SPDC हो रहे हैं उनका अर्थ की आसाम पर नियंत्रण बांग्लादेशियों का आना शुरू हो गया इस स्थिति में संकल्प केंद्र और राज्य सरकार को करना होगा कि बांग्लादेशियों को डिटेक्ट और डिपोर्ट करें हटाए जी मैं संविधान याद करवाता हूं जी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बाउंडन ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट इलीगल फॉरेन नेशनल जी यह संविधानिक उत्तरदायित्व है जब यहां 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमान है MLA DC बन रहे SP बन रहे हैं तो जांच करके उनके गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको डिटेक्ट डिपोर्ट करना और जो नहीं बने हैं वो तो केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है मैं आगे के भी जाता हूं जी आसाम को सुरक्षित करना है हमारे घर बचाना है तो उनको डिटेक्ट डिपोर्ट करना कर रहे हैं 50 लाख 50 लाख का आंकड़ा आप दे रहे हैं उनमें एक NRC का प्रयास हुआ फेल हुआ जी मैं ही NRC कैंसिल करवाने के लिए आसाम बंद का ऐलान यहां दिया था जी क्यों क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पर यदि बांग्लादेशी एस्टैब्लिश करो तो अनेक कारणों से डिफिकल्ट है तो मेरा सुझाव है मैं कैंसर सर्जन डॉक्टर हूं 42 साल पहले का मैं 100% बांग्लादेशी को डिटेक्ट करने का रास्ता बताता हूं वह क्या है उनका नाम DNA टेस्ट या जेनेटिकल टेस्ट या पेटर्निटी टेस्ट है वह क्या है एक व्यक्ति के पुरखे कौन है
तो इस व्यक्ति का डीएनए और पुरखों में से डीएनए ढूंढो तो समान मिल जाएगा। उदाहरण के नाते एक बच्चा है, दो पुरुषों ने क्लेम किया कि मेरा बेटा है, तो बच्चा और दो पुरुषों तीनों का डीएनए टेस्ट करेंगे तो जिनका बेटा उनके साथ मैच होगा। अब मैं बांग्लादेशी मुस्लिम पर आता हूं। धुबरी डिस्ट्रिक्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट में 1951 में जो वोटर लिस्ट था सरकार के पास है, है जी, वो पब्लिश करें और वो वोटर लिस्ट में जो मुसलमान थे वह मैं कहूंगा भारत के नागरिक थे जी। क्योंकि 51 में वोट डाला मानी 47 के पहले थे, वो नागरिक के शायद अधिकांश मर गए होंगे, परंतु उनका बेटा और पोता और बेटी या उनका बेटा इस समय होगा, उनका भी लिस्ट पब्लिश किया जाए और फिर धुबरी के सभी मुसलमानों को कहेंगे कि ये लिस्ट में से जो आपका अबू जान चचू जान लगता है भाई जान, फॉर्म भर के उनका नाम बताओ, हम उनका और आपका डीएनए टेस्ट करेंगे। जो सही अर्थ में वो एंसेस्टर कजिन ब्रदर है तो दोनों का डीएनए मैच होगा, तुरंत भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। जैसे आप घोषणा करोगे 10 में से 9 बांग्लादेशी मुसलमान फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि डीएनए टेस्ट में हो जाने वाला है। आप आसाम के सभी डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2 लाख के आइसोलेशन कैंप खड़े करो और जो फॉर्म नहीं भरते हैं या डीएनए टेस्ट में मैच नहीं तो है सबको आइसोलेशन कैंप में ले जाओ। उनकी खाली संपत्ति जमीन घर आसाम के गरीबों को बांट दो। दे डोंट हैव अ राइट ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, दे आर फॉरेन नेशनल। और तीसरा, ऐसे 50 लाख डिटेक्ट करने में सिर्फ 3 महीने का समय लगे, 3 महीने का। अब केंद्र सरकार की भूमिका आती है, बांग्लादेश सरकार को कहे कि आपके नागरिक है, हमारे कोई नागरिक से उसका डीएनए मैच नहीं हो रहा, आप उनको स्वीकार कर लो, स्वीकार करते हैं तो फाइन, नहीं करता है तो 71 में हमने आर्मी भेजी थी, वंस अगेन वी विल सेंड आर्मी टू बांग्लादेश, विल कैप्चर बांग्लादेश, और आधे बांग्लादेश में 50 लाख को बसाकर हमारी आर्मी वापस आ जाएगी जी। हम आसाम को बांग्लादेश से मुक्त करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया में 6 महीने से ज्यादा समय, 3 महीना डिटेक्शन में जाएगा, आइसोलेशन कैंप में लेने में, 2-3 महीना डिपोर्टेशन से। प्रश्न यह है कि आसाम के जिनके बाप दादे अनेक पीढ़ियों से यहां रहते हैं उनकी घरों की रक्षा करनी है क्या? उनकी बहन बेटियों की रक्षा करनी है? कल ही लव जिहाद में एक बोडो लड़कों को मारा गया है, क्या लव जिहाद की हमारी बहन बेटियों को भोग बनना है? मेरा मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करे। मैंने स्टैंडिंग ऑफर दी है कि मैं जो बात करता हूं वो हिमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं कि इतने घुसपैठिए हैं, तो आओ मिलकर आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करके लाचित बर्फुकान 2 रिपीट करें। लाचित बर्फुकान 1 में मुगल वहीन आसाम किया था, हम लाचित बर्फुकान 2 में 50 लाख बांग्लादेशी विहीन आसाम करेंगे। और यह काम में मैं हेमंत विश्व शर्मा के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी आसाम की रक्षा होनी चाहिए, हमारे घरों की रक्षा होनी चाहिए, यह मेरा मुद्दा है। लेकिन जब आसाम के अंदर की बात आती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी मुसलमान आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आसाम में मुसलमानों को डेवलपमेंट काउंसिल दिया जा रहा है। मैं आपको रोककर शेखर केसर शेख डेवलपमेंट काउंसिल जी, उसी में मेरा सवाल था। मैं बिना सवाल को उत्तर देता हूँ। और बांग्लादेशी या मुसलमानों को जमीन का पट्टा, मेरा कहना है जब तक 50 लाख बांग्लादेशी का डिटेक्शन होकर आइसोलेशन कैंप में नहीं ले जाते हैं तब तक ये योजना स्थगित तो होनी चाहिए। क्यों? वरना आसाम के टैक्स पेयर देशभक्त नागरिक के पैसे से केसर शेखर शेख योजना के अंतर्गत बांग्लादेशी मुसलमानों को पैसे मिलेंगे, वह समृद्ध होंगे। और जमीन के पट्टे से बांग्लादेशी मुसलमान आसाम में स्थिर हो जाएंगे। ये दोनों योजना
आसाम के हितों को नुकसान करने वाली है। मैं राज्य सरकार से विनंती करता हूं कि आपने आसाम के लिए बहुत किया है, दोनों योजना स्थगित करो और 3 महीने में टाइम बाउंड बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना का एक्शन प्लान करो, और जब डिटेक्शन डिपोर्टेशन हो जाता है आप किसी भी डेवलपमेंट की योजना ले जाओ, उनका फायदा फिर असमिया को मिलेगा, बांग्लादेशी मुसलमान को नहीं। और इस पूरे जो फार्मूला आपने बताया डिटेक्शन और डिपोर्टेशन का, इस पूरे मामले में कोई इंटरनेशनल प्रेशर, मानवीय दृष्टिभंगी नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए नहीं तो फिर यूनाइटेड नेशंस का भी प्रेशर आ सकता है, उन सब बातों से कैसे परे जाए? मेरे भाई, आसाम की रक्षा करनी है या यूनाइटेड नेशन की चिंता करनी है? क्या इसराइल चिंता कर रहा है क्या? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कहा वेपन नहीं होंगे तो पंजे से लड़ेंगे, उनको देशभक्ति कहते हैं। क्या हमें इंटरनेशनल चिंता करनी है या आसाम की चिंता करनी है? हमें अन्न आसाम ने खिलाया है, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। वी शुड नॉट केयर फॉर एनी इंटरनेशनल प्रेशर टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट इलीगल फॉरेन नेशनल, इट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहाँ तक असम का देखा जाए, असम में जो समाज व्यवस्था है उसमें खिलंजिया मुसलमान, हम जिसको कहते हैं इंडिजिनियस मुसलमान, असम कैबिनेट ने रिकॉग्नाइज़ किया है इंडिजिनियस मुसलमान कम्युनिटी को एज सन ऑफ द सॉयल, आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? मेरा मुद्दा तो सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान को हटाने का है। जो बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है वह शेष असम या भारत के नागरिक, उनके लिए सरकार को चिंता करने का कर्तव्य व्यवहार करे, उसमें हम बीच में नहीं है। मैं हिंदुओं का लीडर हूं जी, मैं नफ्फट और निर्लज हूं, इसलिए मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। इसलिए मैं हिंदुओं को मुफ्त में अनाज देता हूं, एक मुट्ठी अनाज योजना, मैं 1 करोड़ लोगों के घरों से एकत्रित गरीब हिंदुओं को देता हूं, कोई भूखा न मरे। मैं गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देता हूं, एडवोकेट देता हूं, रोजगार में मदद करता हूं। इसलिए मैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा और यह करने में आनंद, गौरव और निर्लज्ज हूं। सरकार इंडियन मुस्लिम्स के लिए काम करे तो कोई बात मैं उनमें नहीं पढ़ूंगा, पर मैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। आप हिंदुओं के लिए काम करेंगे, इसमें एक सवाल CAA को लेकर असम में इसका काफी विरोध हुआ था, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरी योजना समझ लो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पीड़ित हिंदुओं को नागरिकता देना यह हमारी सांस्कृतिक फर्ज है। केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया, परंतु उनके कारण आसाम में एक जनसंख्या का दबाव आ रहा है। तो मेरा सुझाव यह है कि बांग्लादेशी, सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेशी है, पाकिस्तान की ज्यादा नहीं है जी, बांग्लादेशी जो हिंदू को यहाँ CAA के अंतर्गत नागरिकता देते हैं, मानो उनकी संख्या 1 करोड़ है, तो भारत के जहाँ इंडस्ट्रीज है ऐसे राज्यों में 2-2, 5-5 लाख, जैसे गुजरात में, राजकोट में, अहमदाबाद में, वडोदरा में, सूरत में, वापी में, 1-1 लाख लोगों को बांट दिया जाए, वहाँ उनके रहने के लिए मुफ्त घर केंद्र सरकार बना कर दे, 2 वर्ष का राशन दे, स्वास्थ्य की सुविधा करे, बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था करे, उनको रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री में जाकर हम काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज है वहाँ रोजगार मिलेगा। तो उनके कारण बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को घर, रेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलेगा, आसाम पर लोड नहीं होगा। मेरी आसाम सरकार और केंद्र सरकार के ऑफर है कि ऐसे बांग्लादेशी हिंदुओं को ऑफर करो कि आपको रहने के लिए घर, अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार देगी, और मैं उनको रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रीज में कारखाने के फरने की मेरी कैडर काम करेगी, मैं रोजगार में सहयोग करूंगा, या आसाम पर लोड भी नहीं आएगा। और एक आसाम में ये भी मुद्दा काफ़ी बार डिस्कशन में रहता है, ये बाट कंट्रोल को लेकर, इसके बारे में एक आपका क्या कहना है? TFR अगर रेट देखा जाए मुस्लिम, मैं जानता हूँ, मेरा दो ही मुद्दे ऑल इंडिया का है, नॉट ओनली फॉर आसाम, इंक्लूडिंग आसाम। पहला, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ,
क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, ये फर्टिलिटी नहीं, ये सब मेरा डायरेक्ट मेडिकल सब्जेक्ट है, तो हिंदू का फर्टिलिटी रेट 2 के नीचे चला गया, तो नेगेटिव ग्रोथ में, तो 100 करोड़ से घटते घटते 50 करोड़ अगले 75 वर्ष में हिंदू हो जाएगा। मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट अभी भी ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। उदाहरण देना है तो देश आजाद हुआ तब 87% हिंदू था, अब 77, वी रिड्यूस बाय 10%। मुसलमान तब 6% था, आज 15%, 2.5 इंक्रीज है। इस स्थिति में ये इंक्रीज बाय बर्थ है, माइग्रेशन की वजह से नहीं, नो बाय बर्थ है, मेजर हिस्सा बाय बर्थ है। इस स्थिति में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना चाहिए, हमारी ये प्राइम डिमांड में से है। और लॉ कैसे बनेंगे कि कानून बनने के बाद जिनके घर में 2 से एडिशनल बच्चा का जन्म होता है उनको सरकारी अन्न पीडीएस का अन्न नहीं मिलेगा, उनके परिवार को पूरा सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में मुफ्त में सेवा नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, रोजगार गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। इतने प्रारंभ में किया जाए, इसके बाद भी नहीं रोकते हैं तो उनका वोटिंग राइट ले लिया जाए, यह मेरी प्राइम डिमांड है। राम मंदिर बन गया, अब मैं इसी डिमांड पर हिंदुस्तान में जनजागरण करके दबाव बनाऊंगा, क्योंकि यह नहीं किया तो हिंदू विल बी रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी इन नेक्स्ट 60-70 ईयर्स। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया आपसे, विभिन्न विभिन्न समस्यार विषय आमी कथा पातिलो, मूलत बांग्लादेशी प्रबजन समस्याटे অসমত বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা লাভ কৰে। আজি 4টা দশকৰ পৰা এই বিষয়টোৱে অসমৰ আকাশ বতাহ গৰম কৰি ৰাখিছিলে। হামনে দেখা ইয়ে আসাম মে আসাম মুভমেণ্ট ভি হোৱা থা, আসাম একৰ্ড ভি হোৱা থা, লেকিন ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰে কভি ইছ মুদ্দে পে বাত হি নাই কি। আভি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কে হস্তক্ষেপ সে 17 জো লেংগুৱেজিং ইন ডিটেনশ্যন কেম উনকো ভেজনে কা এক অৰ্ডাৰ আয়া থা। तो या आपको लगता है एक फ्रेंडली नेशन है उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करेगी, बात करके इस पूरे मुद्दे को सुलझाएगी? नहीं, बात तब करेंगे जब आप डिटेक्ट तो करो, यहाँ तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ, क्या बात करोगे? डिटेक्ट करोगे तो कहेंगे कि इतने फॉरेन नेशनल हमारे यहाँ या आपके वहाँ के हैं, आपने तो डिटेक्ट ही नहीं किया, फिर बातचीत किस मुद्दे पर करोगे? लिस्ट ही नहीं है आपके पास, लिस्ट ही नहीं है। और लिस्ट आप जेनेटिकली कर सो, इंटरनेशनली इट कैन नॉट बी चैलेंज, इट कैन नॉट बी चैलेंज, मैं डॉक्टर के नाते कहता हूँ। पक्का हो गया कि उनकी एंसेस्ट्री भारत से नहीं है तो नहीं चल रही, दे आर फॉरेन नेशनल्स। जी हे एता उपाय कथा कुआ हुए से, लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है जिसको हम लोग सामाजिक एसिमिलेशन बोलते हैं। बांग्लादेशी मूल के लोग आपको मिलेंगे असम में, जो असम के सोसाइटी में एसिमिलेट हो चुके हैं और असमीज भाषा बोलते हैं जैसे असम के लोग ओरिजिनल लोग बोलते हैं, असमीज मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। काफ़ी बांग्लादेशी मूल के लोगों का दावा है असमीज असमिया भाषा को सुरक्षा वो लोग दे रहे हैं, हालांकि बाकी जो असम के ये सब हम्बग है। बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान है, असमिया भाषा बोलने से, कपड़े पहनने से, बिहू मनाने से वह असमिया नहीं हो सकता है। मैं बुरा शब्द प्रयोग नहीं करूँगा जी। এয়া আছিল প্ৰবীণ ভাই টগাৰীয়া, বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ মন্তব্য দিলে। এতিয়া ৰাজনৈতিক কেইটামান কথা সোধো। আপুনি আপোনাৰ যি আপোনাৰ কোৰ ইছ্যুজ হে আপুনি উচমে আপোনাৰ ডেলিভাৰেশ্যন দি দিয়া, আভি চুনাও চল ৰহা হ্যা, 5 দিন আসাম মে থে, 10 সাল বিজেপি কি সরকার থি, বিজেপি কি সরকার জব পহলে 2014 से पहले प्रॉमिस किया था कि असम को बांग्लादेशी मुक्त कराएंगे, 10 साल हो गया, लेकिन ये मुद्दा अभी भी एक बर्निंग इशू है। अभी भी इलेक्शन 7th फेज खत्म हो गया, 3 फेज बाकी है, तो क्या आपको लगता है? केंद्र में 10 वर्ष और राज्य में 7 वर्ष सरकार होने के बाद बांग्लादेशी मुसलमानों का प्रश्न का समाधान होना ही चाहिए, उनके लिए 6 महीने की जरूरत है, ये तो 7 वर्ष और 10 साल हो गए, करना ही चाहिए, यह केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यह प्रॉमिस है। और सुरक्षा का प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को समयबद्ध बांग्लादेशियों को हटाना पड़ेगा, वरना असम के लिए खतरा है और आगे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनकर नहीं आएंगे, यहाँ तो मैं नाम नहीं दूंगा, उनकी सरकार बनेगी।
अच्छा, ये आप इसको फियर साइकोसिस एक आने वाले टाइम में देख रहे हो। और एक आध प्रश्न बस रह गया है, तो चुनाव का माहौल है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप को असम में जो वी बॉन्डिंग इशू था वो सोल्व नहीं हुआ आप जैसे बता रहे हो, तो आपका समीक्षा क्या बताती है? मैं 5 दिन में घूमा, उनमें मुझे बहुत लोग मिले, बहुत, मैं भी यहाँ 25-30 वर्ष से आता हूँ, पुराने संबंध वाले भी मिले और विभिन्न दल सब में निराशा है। निराशा का कारण ये इशू, ये मुद्दा है, यह भी मुद्दा है, दूसरे भी है। और निराशा के का परिणाम तुलनात्मक वोटिंग में दिखाई दे रहा है। वोटिंग बढ़ना चाहिए, यह भी होना चाहिए, 80-85% वो नहीं हो रहा है। और मैं पूरे देश में देख रहा हूँ कि जनता में चुनाव के लिए उत्साह नहीं, किसी भी पार्टी के लिए उत्साह नहीं जी। लगता है कि श्रद्धा और विश्वास लोगों का हिल गया है। कारण क्या है मुझे पता नहीं जी। और यहाँ तो ठीक है, वोटिंग तुलनात्मक ठीक हुआ है, यहाँ तमिलनाडु बंगाल, बाकी भागों में 6-10% वोटिंग डाउन हुआ है जी। वोटिंग बढ़ना चाहिए ना, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब के कारण जी। तो बढ़ने की बात छोड़ दो, घट गया है, निराशा है लोगों में, निराशा है और उत्साह ही नहीं। मानी चुनाव में पहले माहौल ऐसा बनता था, मानी कोई उत्सव है जी, चर्चाएं होती थी घरों में, चाय पीते समय, घूमते समय, अब कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, उनका कि उनका लोगों का लेना देना ही नहीं, इंडिफरेंट हो गए, हिंदी में निर्लेप हो गए जी, ऐसा दिख रहा है आपको पूरे देश में। हे आसिल प्रवीण भाई टोगारिया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषदर अध्यक्ष प्रवीण भाई टोगारिया, অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ালে। হিন্দীত আমি কথোপকথন আগবঢ়াই নিলোঁ। তেওঁ অসমক বাংলাদেশী মুক্ত কৰিবলৈ কেইটামান পৰামৰ্শ দিছে, তাৰে এটা অন্যতম হৈছে তেওঁ নিজে এজন চিকিৎসক, অন্যতম হৈছে পেটাৰ্নিটি টেষ্ট আৰু DNA টেষ্ট। সেই দুটা টেষ্টৰ যোগেদি কোন বাংলাদেশী কোন ভাৰতীয় সেয়া চিনাক্ত কৰিব লাগে। তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰৰ এয়া দায়িত্ব সাংবিধানিক দায়িত্ব অসমক বাংলাদেশী বা অবৈধ বিদেশী মুক্ত কৰোৱাৰ। অশেষ ধন্যবাদ টগৰীয়া জী, আপক বহুত বহুত শুক্রিয়া হাম লোগোঁ সে জুড়নে কে লিয়ে। দর্শক, এয়া আছিল আমাৰ বিশেষ এই সাক্ষাৎকার প্রবীণ ভাই টগৰীয়াৰ সৈতে।